The big worry, however, remains that of how migrants are going home. They're tired of waiting for trains, filling out those endless forms. And in some cases, states have cancelled trains and now Karnataka has restarted. Sohit Mishra has been walking with migrants who have left on their way from Nashik going home to their states. Today, this includes a woman walking with a 17-day-old baby and she's had no food to eat. Right now, I am near Shahpur. We were traveling and when over here we saw this kid. He is 17 days old and they have been walking from Ram Mandir in Mumbai. They are supposed to reach to Vashim in Maharashtra. They have been walking continuously for the last 4 days. कहाँ से निकले हैं और कितने दिन से चल रहे हैं? दो तीन दिन हो गए चल रहे हैं. कहाँ से निकले आप? राम मंदिर. राम मंदिर से. और कहाँ जाना है? हमको वाशिम. अच्छा, लेकिन इतना धूप है तो किस तरीके से बच्चे को लेकर जा रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी उधर रहने नहीं दे रहे हैं ना, इसलिए निकलना पड़ा. और अभी लगातार चल रहे हैं तो किस तरीके की परेशानी आपको हो रही है? धूप में चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं तो धूप में चक्कर वगैरह आ रहा है, चल धूप से बच्चा भी रो रहा है. पुलिस के पास आप लोग गए थे क्या, कुछ परमिशन या कुछ मांगने? क्या गए थे तो क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने बोला इधर कुछ नहीं है. इतना छोटा बच्चा है, मैं देख रहा हूँ आप भी इसे बीच बीच में संभाल रही हैं. आप लोग के खाने पीने की क्या व्यवस्था है, किसी ने मदद की और क्या प्रशासन मदद करता है ये जमाने में? इतना छोटा बच्चा लेके जा रहे हैं, कोई हमको ये भी नहीं पूछा कि जा रहे हैं तो गाड़ी मेरी दो. नो वन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, द लोकल अथॉरिटीज, नो हेल्प हैज बीन गिवन. दे हैव बीन वॉकिंग फॉर द लास्ट 3 days एंड विद अ 17 days किड एंड दे डोंट नो व्हेन विल दे रीच टू देयर लोकेशन. But they are continuously walking as the permission was denied by the Mumbai police for them to go via vehicle. In Shahpur, with camera person Praveen Jirohit, Sohit Mishra, NDTV.